अंधे हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। गिरफ्तार दो आरोपियों में से एक नाबालिग। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की छपारा थाना पुलिस ने सरंडिया गांव में युवक की हुए हत्याकांड का खुलासा 24 घंटों के भीतर कर दिया है। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों आशीष वर्मा और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी लखनवाड़ा थाना क्षेत्र के ढाना इलाके के रहने वाले हैं। दरअसल 13 सितंबर की देर रात हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। हत्या के बाद पुलिस ने टीम गठित कर जाँच शुरू की और 24 घंटे के अंदर अंधे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। हत्या की मुख्य वजह प्रेम प्रसंग बताई गई है। एक तरफा प्यार के चलते ग्राम सरंडिया निवासी नीतेश को आरोपी ने पहले छक्के तक शराब पिलाई, फिर नशा ज्यादा होने पर चाकू से गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। इस हत्या की वारदात में मुख्य आरोपी को उसके एक नाबालिग दोस्त ने भी साथ दिया था, जिसे दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छपारा पुलिस थाना प्रभारी सौरभ पटेल ने जानकारी दी है। जी, दिनांक 13/9/2024 को प्रातः ये सूचना मिली थी कि ग्राम सरंडिया में गोली वाला रास्ते में कच्चे मार्ग पर मोटरसाइकिल से दबी हुई एक युवक की लाश पड़ी हुई है। तुरंत मौके पर पहुंचकर देखा तो घटनास्थल इस तरीके का था कि मोटरसाइकिल के नीचे लाश पड़ी हुई थी, सिर से खून बहकर जमीन में फैला हुआ था। तो घटनास्थल देख के प्रतीत हो रहा था कि उस युवक की हत्या की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत सूचित कर अपराध कायम किया गया अज्ञात आरोपी के खिलाफ। अज्ञात आरोपी की तलाश पतेसाजी में पुलिस टीम जुट गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सिवनी द्वारा तुरंत एडिशनल एसपी महोदय सिवनी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई अज्ञात आरोपी की तलाश पतेसाजी के लिए। श्रीमान एसडीओपी महोदय लखनादौन के नेतृत्व में छपारा पुलिस ने काम करते हुए दो संदिग्ध नाम मुखबिर और तलाश पतासाजी के दौरान ज्ञात किए। पुलिस टीम द्वारा उन दो संदिग्ध लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें से एक आशीष वर्मा निवासी ग्राम ढाना थाना लखनवाड़ा है, अन्य बालक है, नाबालिग बच्चा है, जिन्होंने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया और एक तरफा प्यार के चलते प्रेम प्रसंग के चलते सरंडिया निवासी नितेश मरावी की हत्या करना स्वीकार किया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय पेश किया गया।